सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, परमिट तो बन चुका है नॉर्थ छांगू लेक बाबा मंदिर तक जाने का, नाथुला तक आज देने वाला है, लेकिन वो कल हो गया था परमिट, तो उसके लिए मिला नहीं। तो आज अगर परमिट बनता तो मिल जाता। अभी ऑफिस के ही बाहर पे हो, होटल हेरिटेज के नीचे पे ऑफिस है। ये बाइक रखा हुआ है सारा रेंट पे लेने के लिए। तो ये रहा वो परमिट। एक्चुअल में दो परमिट बनता है, एक परमिट ये है लोकल पुलिस स्टेशन से परमिट लेना होता है, ऐसा वाला एक आएगा, और एक तो ये वाला आएगा जो कि एक दिन पहले बनता है। गैंगटॉक के रूम कुछ इस तरह है, बड़ा ही रूम है और प्राइस भी सही है। और ये रहा टॉयलेट। चलिए आगे चलते। सो फ्रेंड्स, अभी हम निकल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं जी, हाँ तो बेसिकली इन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया है। अगर आप गैंगटॉक में आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर रुकिए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का भी एरिया है द लिटिल इन, और इन्होंने से खास मुलाकात कर दीजिएगा। ओके चलिए। तो देखिए नाथुला 51 किलोमीटर रास्ता, देखो भैया रास्ता देखो। अरे पानी जमा हुआ है, आप अगर ऐसे लोकल टैक्सी रिजर्व करके भी आना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नाथुला 50 किलोमीटर, तो इसमें रेंट लगता है, मतलब लोकल टैक्सी से आप नाथुला तक नहीं जा सकते हो, बाबा मंदिर छांगो इतना तक ही जा सकते हो। नाथुला तक के जाने के लिए आपको बड़ा गाड़ी करना होगा, नहीं तो वहाँ से शेयर गाड़ी पकड़ना होगा, मतलब उसके लिए अलग से परमिट बना के फिर से जाना ही होगा, नहीं तो वो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से गाड़ी का हिसाब से परमिट बनता है, मतलब 50 गाड़ी या 100 गाड़ी ऐसे कुछ करके छोड़ते हैं वो लोग, तो उसके हिसाब से ही परमिट बनते हैं। तो छोटा गाड़ी का रेंज शायद 3000 से लेकर 4000 4500 तक है, सीजन वाइज चेंज होते रहता है, और बड़ा गाड़ी का रेंज शायद 7000 के करीबन ऐसा कुछ है, 5000 से लेकर 7000 तक। चलो 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 चलो, हाँ थर्ड गियर पे चला रहा था, मेरे ही गलती है, फर्स्ट गियर पे ही चलो भाई, चढ़ाई बहुत ज्यादा है। मैंने पहाड़ों पे बाइक चलाते हुए एक ही चीज समझा, बाइक कोई भी हो चलाने वाले के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जैसे मेरा बाइक, मुझे पता है कि वो मुझसे जैसे बच्चों को तरह बात करते हैं ना अभिभावक के साथ, और दूसरे को ये समझता नहीं है उसके बाद, क्योंकि वो कब रोना के मतलब कब खाना मतलब भूख लगा है, कब रोने का मतलब पोटी लगा है, कब सुसु लगा है, वो रोने का टाइम से समझ में आता है आपको, मतलब उसके मम्मी पापा को, और दूसरे किसी को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर एक का पैटर्न अलग अलग होता है। तो मेरा बाइक का भी रोने का पैटर्न अलग अलग है, वो बात सही में नहीं कर सकता, लेकिन उसका आवाज से मुझे पता लग जाता है कि उसको क्या चाहिए। जैसे अभी बोल रहा है सेकंड गियर में हवा हो, हवा आ रहा हो सेकंड गियर में, थोड़े देर पहले बोल रहा था सेकंड गियर में मैं नहीं जाऊंगा, फर्स्ट गियर में हवा हो, अभी जैसे बोल रहा है फर्स्ट गियर में हवा हो। तो देखो बाइक, चलो भाई अभी आ रहे हैं, छोटा बाइक है फिर भी धीरे धीरे आते हैं हम, उतना ज़्यादा तेजी से नहीं चलेंगे, ये फुल राइट टर्न है।
बढ़िया व्यू, बढ़िया व्यू, वाओ। हाँ, बाइक थैंक यू। मैं बोला आज तक मतलब बीच में आपको एक बोर्ड पड़ेगा जहां से आपको छांकू 10 के लिए 1 किलोमीटर बताएगा, तो वहां से आप लेफ्ट ले लीजिए तो नया वाला रास्ता मिलेगा, और राइट लेने से पुराना वाला रास्ते से जाना पड़ेगा। नया वाला रास्ता थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ का लोकल से पता किया है, ये 7-8 किलोमीटर ज्यादा है लेकिन अच्छा रास्ता है। तो इस रोड पे अभी भी काम चल रहा है, व्यू देखिए, मतलब खूबसूरत सा व्यू, और आज आसमान भी साफ ही है तो यहाँ से पूरा पूरा व्यू दिख रहा है। हम क्या अकेले ही राइड कर रहे हैं क्या, और कहाँ है, शायद नया वाला रास्ते से उतना ज्यादा कोई जाता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है शायद इसीलिए। गूगल मैप पर दिखा रहा है बाबा मंदिर अभी भी यहाँ से 37 किलोमीटर बाकी है, लगभग 1 घंटा 6 मिनट लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और यहाँ से ठंड लगना और ज्यादा शुरू हो गया ये फॉग की वजह से, अरे हमें तो कपकपी लगना शुरू हो गया। ये वाला जैकेट जो मैं पहना हुआ हूँ ये शायद -5 या 10 तक जाता है, उसके बाद नहीं जाएगा, तो -5 तक और 10 तक तो लगभग चला जाएगा, देखते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर फॉल करता है। आता तो उतना ज़्यादा गर्मी है, मतलब ठंड नहीं लग रहा है, ठंड लग रहा है सबसे ज़्यादा पैरों में और हाथों में, मतलब ये वाला ग्लास पहन के भी ठंड लग रहा है। अरे बचा के चलो भाई, ये क्या देख रहा हूं, अरे बर्फ है साइड में, बर्फ जमा हुआ है पत्थरों के बीच में, वाव। ये मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके जमा हुआ है बर्फ से, और सामने भी बर्फ पड़ा हुआ है छोटा मोटा करके दिख रहा है, वो सभी पत्थर समझ रहा था, पत्थर नहीं है बर्फ है एक्चुअल में, वाओ। ओ भाई साहब क्या जगह है, क्या नजारा है, वाओ। और बीच में से झरना, अल्टीमेट व्यू,
वो देखिए, ये देखिए, अरे वाह, रुक जाते थोड़ी देर, थोड़ा और आगे ले लेते हैं बर्फ के बीच में। तो ये देखिए, ऊपर से झरना बह रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से रोड के बीच से निकल जा रहा है नीचे। और ये देखिए नीचे बर्फ पड़ा हुआ है, वो देखिए, मतलब धूप की वजह से बर्फ थोड़ा बड़ा गल रहा है, लेकिन ये बर्फ है। वाओ वाओ, मतलब एक राइडर का जो सपना होता है अल्टीमेट वाला, बर्फ है वो सक्सेस हो गया यहाँ पे आके। वाओ, पहाड़ों से भी छोटे मोटे करके, मतलब ये जो झरना दिख रहा है आपको, ये बर्फ निकल के ही आ रहा है। औसम औसम, और सामने तो भरा पड़ा हुआ है। चलिए सामने जाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एयरटेल का टावर नहीं है। अरे धूप भी चला गया। ये देखिए रास्तों को दोनों तरफ बर्फ पड़ा हुआ है। वाओ, वाह, और सामने धूप भी है। वाह, चलो धूप के मजे लेते लेते बर्फ को देखते देखते चलते हैं आगे। ये देखिए दसपुंग लेक, मतलब छांगू वाला लेक, 11 किलोमीटर बाकी है। सेठा 21 किलोमीटर, बागमती 37 किलोमीटर और नाथला 26 किलोमीटर। मेरा हॉर्न का आवाज दूर तक गूंज रहा है। बढ़िया जगह है, मतलब दूर तक दिख भी रहा है, ऊपर बादल भी है, नीचे भी पूरा नजारा दिख रहा है। ये देखिए लड़की बर्फ उड़ा के ले आए हैं। और ये देखिए क्या क्या बाइक लाए हैं, रॉयल एनफील्ड, बढ़िया, सभी रॉयल एनफील्ड ज्यादातर के हैं। आपका भाई ग्लैमर 125। और ये देखिए पूरा रास्ता ही स्नो से भरा हुआ है।
तो फ्रेंड्स अभी एक चीज हो गया था, माउंट पे कैमरा लगा रखा था और कवर भी नहीं डाला, तो इसी लेकर स्नो पे चढ़ गए थे और गिर गए थे वहाँ पे। तो कैमरा में पानी पानी हो गया, हेलमेट में भी पूरा देखिए बर्फ जमा हुआ है, मतलब ये पूरा बर्फ में ढंस गया था और कैमरा भी पूरा नीचे चला गया था। तो फ्लैश प्रूफ है, पता नहीं खराब होगा तो देखा जाएगा क्या किया जाए, लेकिन मज़ा बहुत आया। और आगे आप चलते हैं, बहुत टाइम कटा दिया ये पे, बहुत मतलब 11 बजकर अभी 10 हो गया है, चलिए आगे जाते हैं। तो एक लेक है, वहाँ से रास्ता घूम के यहाँ पे आ रहा है और लेक देखिए पूरा जमा हुआ है, बीच में से थोड़ा सा पानी दिख रहा है, बाकी पूरा बर्फ, मतलब यहाँ पे पूरा बर्फ का चादर है और वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, मतलब पूरा जम चुका है, मतलब औसम सा व्यू लग रहा है यहाँ से। और ये रास्ता पूरा घूम घूम के ऊपर जा रहा है, मतलब पूरा पहाड़ी स्नो से भरा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एकदम। और ये देखिए नीचे स्नो से भरा हुआ है पूरा रास्ते के दोनों तरफ स्नो, और वो देखिए स्नो उड़ रहा है ऊपर और धीरे धीरे बर्फ अभी गल भी रहा है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 11:30 बज चुका है। तो एक और एक लेक है, इसे शायद हंगू लेक ऐसे कुछ कहते हैं, जो और मेमोरियल के बाद आते हैं या फिर कुछ नाम होगा मुझे पता नहीं है ठीक तरह से, आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। पूरा लेक जमा हुआ है और बीच बीच में से बर्फ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा पानी दिख रहा है, क्या नज़ारा है अल्टीमेट वाला। फ्रेंड्स आ चुके हैं बाबा मंदिर के अंदर, पहले यहाँ पे जाते हैं फिर बाद में मंदिर का दर्शन करते हैं। अच्छा पहले मंदिर दर्शन करें, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली में बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है और आर्मी वाले यहाँ पे इनको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। बाबा जी का प्रसाद लाया हमें,
बहुत ही बढ़िया, दर्शन हो गया, प्रसाद मिल गया, बस धन्य हो गया। मैं कितने बजे यहाँ से गिरते गिरते बचा हूँ मुझे पता है। अरे देखो बर्फ लिए हाथ में, गोला बना रहा है। खाना है क्या? गोला बना के मुझे बोलना है। देखो बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए दिख रहा है आपको कितना खूबसूरत है। ये है हमारे भोले बाबा जी। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी है 13,000 फीट के ऊपर कैफेटेरिया में, और ये वाला जो कैफेटेरिया आप देख रहे हैं ये वाला पूरा मेंटेन करते हैं आर्मी, मतलब आर्मी के जवान पूरा कैफेटेरिया मेंटेन करता है। और यहाँ पे मतलब इतना सस्ता सब कुछ है, मैंने बिस्किट खाया, कॉफ़ी खाया, बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइस में है, ऐसे कि नीचे से भी रीजनेबल प्राइस में है। तो ये है वॉर म्यूजियम, मतलब वॉर मेमोरियल ये, और ये है गंजू लामा वॉर म्यूजियम। तो इसके अंदर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो हम बाहर से ही फ़ोटो लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ा हुआ है यहाँ पे, और हम अभी अरे देखिए एकदम ताज़ी ताज़ी बर्फ़। तो फ्रेंड्स अभी बीच में एक जगह पे रुके हैं, ये पूरा वैली
पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अरे पहाड़ का व्यू, ऊपर आसमान तो एकदम ही नीला, खूबसूरत एकदम। और नीचे ये साइड पे बड़ा बर्फ पड़ा हुआ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। इतना बर्फ देख के पागल हो चुकी है। उत्ती वहां से एकदम रोड ऐसे घूमते घूमते वो जगह से आते हुए यहाँ से आ रहा है, मतलब पूरा पहाड़ घूमते घूमते जा रहा है रोड। बढ़िया व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। फ्रेंड्स ये है छंगु लेक या तस्मुंग लेक, जो भी कहना है कह लो। और बहुत ही बढ़िया है, कुछ ऐसा है कि शाम के 5 बजे मतलब वहाँ पे गए थे सुबह, लेकिन मतलब वहाँ से पहुँचते पहुँचते बज गया शाम के 5, और अभी होटल पे हूँ, वही सेम होटल पे ही हूँ। तो वहाँ पे अभी रूम में फ्रेश फ्रेश होकर अभी थोड़ा देर बाद बाहर जाऊँगा, जाके कुछ खाना वगैरह भी है, क्योंकि सुबह से मतलब ब्रेकफास्ट लंच सभी मिस कर गया है एक संग में, अभी सर तीनों करूँगा। तो चलिए देखते हैं आगे जाके क्या मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अभी एमजी मॉल पे ही है, गैंगटॉक सेंटर पे, तो वहाँ पे ही जाएंगे, जाके कुछ खाना वगैरह खाएंगे। तो ठीक है फिर, कल सुबह तो यहाँ से निकलना है घर के तरफ, और आगे जाके मतलब कल देखते हैं कितना दूर तक जाते हैं। सिलीगुड़ी में रुक सकते हैं, नहीं तो बीच में कहीं पे रुकेंगे, मतलब सिलीगुड़ी छोड़कर और थोड़ा आगे जाके कहाँ पे रुक सकते हैं वो देखना पड़ेगा।
तो वो वहाँ पे मतलब जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे, फिर वापस शाम हो जाएगा तो रुक जाएंगे कहीं पे, होटल वगैरह कुछ ले लेंगे। तो ठीक है, इतना देर तक वीडियो देखा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्या क्या मैं मिस किया, क्या क्या मुझे सुधरना चाहिए और कहाँ कहाँ पे और मैं जा सकता था, तो बताइए ज़रूर। अच्छे से कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक लिए बाय बाय।